नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील भारद्वाज और आप देख रहे हैं जंगल तक। जंगल तक के स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की पहली खबर आ रही है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां उत्तराखंड में स्टेट का पहला बर्ड्स गैलरी खोला गया। यहां बर्ड्स की सारी इन्फॉर्मेशन और उनके हैबिटेट के बारे में बताया गया है। उत्तराखंड के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट CCF संजीव चतुर्वेदी ने कहा कि ये जो बर्ड्स गैलरी है, यहाँ उत्तराखंड के सभी बर्ड्स की स्पीशीज के हैबिटेट और उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। इससे एक जागरूकता फैलेगी लोगों में कि इन बर्ड्स के ना होने का हमारे हैबिटेट पर क्या असर पड़ता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि आ रही है उड़ीसा की खालीकोट रेंज से, जहां बहरमपुर में एक विशाल अजगर पाया गया जिसकी लंबाई 12 फीट से अधिक थी। इस विशाल अजगर ने एक बकरी को निगल गया था, जिसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। बहरमपुर के फॉरेस्ट टीम ने इस विशाल अजगर को बचाया और इसे जंगल में छोड़ दिया, जिससे न केवल वहाँ के लोगों को राहत मिली बल्कि उस अजगर को भी सुरक्षित उस जंगल में छोड़ दिया गया। आप लोगों को बता दें कि अजगर सांपों की प्रजाति में सबसे बड़े प्रजाति में से एक है, जो कि बड़े से बड़े जंगली जानवरों को भी निकल सकता है। अगली खबर आ रही है उड़ीसा के कंधमाल जिले से, जहां 6 लोगों को वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग और वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां दो तेंदुए की खाल, 6 बार्किंग डियर की खाल और 2 मॉनिटर लिजर्ड की खाल बरामद हुई है। इसके साथ ही साथ 1 तेंदुए और बार्किंग डियर की खोपड़ी भी बरामद हुई है। एक तरफ भारत सरकार जंगली जानवरों को बचाने के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट्स का इनिशिएटिव ले रही है, जैसे कि प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट टाइगर, और दूसरी तरफ देखा जाए तो लोगों में अभी तक जागरूकता नहीं पाई गई है। अगली खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण को देखकर पर्यावरणविद भावरिन कंधारी ने चिंता जताई है। दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सरकार इसे आरोप प्रत्यारोप का एक जरिया बना रही है। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। यह बेहद दुखद है कि सरकार ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, जबकि एक तरफ हमारे बच्चों के दम घुट रहे हैं। भावरिन कंधारी का कहना है कि दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार को मिलकर इस संकट का हल ढूंढना चाहिए, जिससे कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। धन्यवाद।